साथियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। तो साथियों आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी। तो साथियों डेली करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। तो आइए, आज है 27 मई, 27 मई में आपका स्वागत है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, किस पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला? यहाँ पे बुकर गायब हो गया भाइयों। बुकर पुरस्कार 2023 किसे मिला? तो अंतरराष्ट्रीय 2023 का बुकर पुरस्कार साथियों किसे मिला है, ये किस पुस्तक को मिला है? टाइम शेल्टर को मिला है। ये टाइम शेल्टर को मिला है और इसके लेखक कौन है साथियों? इसके लेखक बताइएगा कौन है? गोस्पोनी डो इसके लेखक हैं। कौन है? लेखक। और जो क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो बुकर पुरस्कार है इसे किसे दिया जाता है? ये जो ट्रांसलेट इंग्लिश में हुआ रहता है, किसी भी भाषा से इंग्लिश में जो पुस्तक ट्रांसलेट होती है उसी को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिलता है। तो इसके ट्रांसलेटर कौन हो जाएंगे? अनुवादक कौन है? अनुवादक एंजेला रोडेल हैं। और ये जो गोस्पोनीडो हैं, ये कहाँ की हैं? ये बुल्गारिया की हैं, ये भी याद रखिएगा, बुल्गारिया की लेखिका है, बुल्गारिया की लेखक हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन में जरूर पूछेगा पेपर में। तो ध्यान दीजिएगा कि किसे मिला है, गोस्पोनीडो की टाइम शेल्टर पुस्तक है उसे दिया गया है। आइएगा अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये तो 2023 का है, लेकिन 2022 का किसे मिला था? 2022 का किसे मिला था? टॉम्ब ऑफ सैंड यानी रेत की समाधि। और ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ये गीतांजलि श्री इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी हिंदी में। और ये हिंदी में पहली पुस्तक थी जो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीती। और इसके ट्रांसलेटर कौन थे अनुवादक? डेजी रॉकवेल इसके ट्रांसलेटर हैं इस पुस्तक के। आइएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्षेत्रीय विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो ये कहाँ पर हो रहा है साथियों? क्षेत्रीय वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, इसका आयोजन जिनेवा में हो रहा है। क्यों? क्योंकि WHO द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा में। तो ये जिनेवा में हो रहा है साथियों। तो इसका थीम क्या है? इसकी थीम भी देख लीजिए, WHO 75 saving lives and driving health for all, driving health for all, इसकी थीम है। क्या एक बार फिर से देख लीजिएगा, WHO at 75 saving lives driving health for all, इसकी थीम है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा AI सुपर कंप्यूटर, क्या नाम है इसका? एरावत। ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो बताइए साथियों ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये CDEC के द्वारा विकसित किया गया है। CDEC यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जिसे CDEC के नाम से जाना जाता है। तो इसी के द्वारा ये एरावत जो है सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है। और इसकी रैंकिंग कितनी है? इस जो एरावत की रैंकिंग है
टॉप सुपर कंप्यूटर में इसकी रैंकिंग कितनी है, 75, इसकी 75 है। और फर्स्ट टॉप की टॉप पे कौन है, टॉप पे है यूएसए का फ्रंटियर, फ्रंटियर ये कहां का है, यूएसए का। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा ये होगा दुनिया का, ठीक है, विश्व का, भारत में तो है ही कि यहां पे विश्व हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा हाई कोर्ट भवन किस राज्य में बनाया गया, तो किस राज्य में बनाया गया साथियों, ये झारखंड में बनाया गया, झारखंड में बनाया गया। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। और झारखंड के सीएम कौन है, हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन झारखंड के सीएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला जलवायु फिल्म समारोह का आयोजन कहां किया गया है? तो ये फर्स्ट जो क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल है ये कहां पर आयोजित किया गया है, तो ये कल कोलकाता में हुआ है। इसका आयोजन कहां पर हुआ साथियों, ये कोलकाता में। इसमें क्या होगा, इसमें जो जलवायु के बारे में जो जानकारी जागरूकता है, वातावरण के बारे में उसकी जागरूकता यानी लोगों में उसकी जानकारी फैलाने के लिए ये जो समारोह है इसका आयोजन हो रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा साथियों। और इसमें जो है इस जो फिल्म फेस्टिवल है इसमें क्या होगा, इसमें कई देश भाग लेंगे, कितने, लगभग 12 देश भाग लेंगे। और इसमें जो है 12 देश जो है ये लगभग इनकी 16 फिल्म इनकी प्रस्तुत की जाएंगी जो कि क्लाइमेट से संबंधित रहेंगी, यहां पर प्रस्तुत की जाएंगी। और ये U20 के अंतर्गत हो रहा है, U20 के अंतर्गत जो आवास और शहरी मामले के मंत्रालय हैं इनके द्वारा, और आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा किसके साथ मिलकर, यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर ये आयोजित किया जा रहा है साथियों। तो ध्यान दीजिएगा कि पहली बार आयोजित किया गया है, तो ये क्वेश्चन जरूर बन सकते हैं इसमें से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे मुरली श्री शंकर का किस खेल से संबंधित है, जो मुरली श्री शंकर हैं ये किस खेल से संबंधित हैं, तो ये किससे संबंधित है, ये लंबी कूद से संबंधित है। किससे संबंधित है साथियों, लंबी कूद से, क्योंकि जो इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग इसका आयोजन कहां पर हुआ है, इसका आयोजन ग्रीस में हुआ है, कहां पर, ग्रीस में। और ग्रीस की राजधानी क्या है, एथेंस, यहां पर आयोजन हुआ है। और यहां पे मुरली श्री शंकर जो हैं इनके द्वारा लंबी कूद में गोल्ड मेडल जीता गया है और सिल्वर मेडल, ये भी इंपॉर्टेंट है, सिल्वर मेडल किसने जीता, तो ये जीते हैं भारत के ही हैं, जेसविन एल्ड्रिन इनके द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरी तरह से ई शासित यानी ई गवर्न बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना, तो बताइएगा पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक शासित राज्य कौन सा बना, ये कौन बनेगा, ये बना है केरल, लेकिन ऑप्शन में केरल है नहीं, तो हम ऑप्शन रख देते हैं केरल बना है, ये ई शासित राज्य बना है। इसमें क्या होगा, जो सार्वजनिक सेवाएं हैं इसे पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर दिया गया है, सेवाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। और यहाँ के किसके द्वारा उपलब्ध कराया गया, पिनरई विजयन, यहाँ के जो सीएम है पिनरई विजयन। और यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्तों, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये पोर्टल भी याद रखिएगा, किस पोर्टल पे सुविधाएं उपलब्ध होगी, ई गवर्नेंस
पोर्टल ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म होगा, प्लेटफॉर्म यहां पर ये सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में किस कंपनी ने ग्रामीण भारत के लिए एआई चैटबॉट जिसका क्या नाम है जुगलबंदी, ये किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये भारतीय ग्रामीण के बारे में के लिए चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट और किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है, ये आईआईटी मद्रास, आईआईटी मद्रास, आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर माइक्रोसॉफ्ट ने ग्रामीण भारतीयों के लिए जुगलबंदी नामक चैटबॉट लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंफोसिस कंपनी ने किस नाम से अपनी पहली एआई आधारित सेवा शुरू की है, तो किस नाम से शुरू की है? ये सभी एआई की तरफ शिफ्ट हो रहा है पूरा वर्ल्ड जो है, तो ये टॉपेज, टॉपेज लॉन्च किया है एआई आधारित सेवा, किसका? इंफोसिस का। तो ध्यान दीजिएगा टॉपेज, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हाल ही में किस देश ने खैबर नामक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो जो खैबर मिसाइल है किसके द्वारा परीक्षण किया गया है? तो खैबर पख्तूनवा कहां पर है, उसी के नाम पे तो नहीं बताएंगे आप सभी लोग, ये पाकिस्तान में नहीं किया गया है, तो कहां पर किया गया है, ये ईरान द्वारा किया गया है इस मिसाइल का परीक्षण, और लगभग ये इसकी रेंज कितनी है, 2000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर इसकी रेंज है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा साथियों। तो साथियों हमारे क्वेश्चन जो करंट अफेयर के थे हमने कवर करा दिए, और सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।